हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डर्मिकिंग केटी क्रीम के बारे में। इसके क्या यूज़ हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसके प्राइस क्या हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले हर रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट रहती है फ्रेंड्स आप लोगों से, प्लीज़ वो पूरी कर दिया करो। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं डर्मिकिंग केटी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स, जो डर्मिकिंग केटी क्रीम है इसमें साल्ट कौन कौन से हैं। तो साल्टों के बारे में सबसे पहले हम डिटेल से बात करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो साल्ट है वो है किटिकोनाजोल, नंबर एक। नंबर टू है फ्रेंड्स क्लोबेटासोल प्रोबिनेट, और नंबर थ्री है फ्रेंड्स न्यूमाइसिन सल्फेट, और नंबर फोर है टोलनाफेट एंड लुड्रॉक्सिक्विनोलिन क्रीम। तो इसमें कई सारे मतलब कॉम्बिनेशन साल्ट हैं जो कि काम करते हैं बहुत ही अच्छे से, मतलब कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। तो फ्रेंड्स, अब इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम वीडियो को बिना लॉन्ग किए। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके जो पहले यूज़ है वो यूज़ किया जाता है किटिकोनाजोल जो साल्ट है वो मतलब हमेशा दाँत के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ दाँत के लिए किया जाता है, और किसी को बहुत ज़्यादा दाँत हो रहे हैं तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। और सेकेंड यूज़ है फ्रेंड्स, किसी को बालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब जैसे बालों के अंदर आपकी मतलब स्कल्प मतलब आपके सर पे दाद हो गए हैं बालों के अंदर, तो उसके लिए भी इसको अप्लाई किया जाता है, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती फ्रेंड्स। तो इसको जो बालों में अंदर दाद हो जाते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। अब दूसरा यूज़ के बारे में बात करें, जैसे दाद हो गया आपको उसके लिए यूज़ किया जाता है, खाज में भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर फ्रेंड्स फोड़ा फुंसी है, किसी को बहुत ज़्यादा फोड़ा फुंसी हो रहा है तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे से काम भी करता है फ्रेंड्स। इसका यूज़ किया जाता है एक्जिमा मतलब रेडनेस हो जाती है, तो फ्रेंड्स इसका यूज़ किया जाता है एक्जिमा में भी। अगर किसी एक्जिमा मतलब रेडनेस यहाँ पे ज़्यादा रहती है चेहरे पर, लाल में बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है। और फ्रेंड्स इसका यूज़ किया जाता है इसकी गुप्तांगों की खुजली, मतलब जो आपके गुप्तांग होते हैं उनमें अगर खुजली वगैरह हो गई तो उस टाइम पर भी आपको काफ़ी अच्छा असर करेगा और रिज़ल्ट काफ़ी बेस्ट मिलेगा, दिक्कत कोई नहीं आएगी फ्रेंड्स, तो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप इसे। और तीसरा और इसका अगला यूज है फ्रेंड्स, जैसे कि त्वचा की विभिन्न समस्याओं में सरकार है, मतलब त्वचा की जो स्किन की आपकी बहुत ज़्यादा डर्मेटोलिस मतलब होती है डर्मेटिस, बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपरी सतह पर जो रोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, रिजल्ट काफ़ी बेस्ट मिलता है, दिक्कत कोई आने वाली नहीं फ्रेंड्स। तो ये तो इसके कुछ यूज़ थे, हमेशा दाद में खाज में खुजली में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिंग बम हो गए या फिर आपको यहाँ पर खुजली हो रही है, यहाँ पर खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता है। और सेक्सुअल पार्ट में भी अगर आपको खुजली हो रही है या फिर दाद हो रहा है तो उस टाइम पर भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ईचिंग कैसी भी हो ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स, दाद कैसा भी हो ठीक होने की पूरी कोशिश करता है, ये ठीक भी हो जाता है अगर आप कंटिन्यू ध्यान से डेली लगाते हैं, तो काफ़ी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो फ्रेंड्स यूज़ थे डर्मिकिंग केटी के बारे में। इसके डोसेज फॉर्म के बारे में बात कर लें तो इसको अप्लाई कैसे करना है, तो फ्रेंड्स इसको रात को आप सोते टाइम अप्लाई करिएगा, अच्छे से पहले स्किन जहाँ पे आपको लगाना है उस जगह को साफ़ करिएगा, अच्छे से साफ करने के बाद तभी लगाइएगा, और हमेशा नहाने के बाद ही आप इसे लगाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नहाने के बाद इस क्या होता है कि स्किन पूरी अच्छे से साफ़ हो जाती है, उसके बाद लगाते तो ऊपर की जो गंदगी होती है वो इसके साथ नहीं अप्लाई होती है, तो अच्छे से काम भी करता है फ्रेंड्स। तो ऐसे इसके अप्लाई करने का तरीका हो गया, आपको रात को लगाना है, दिन में अगर आप काम नहीं जाते हैं ज़्यादा तो लगा सकते हैं, जैसे कि गर्मी का काम करते हैं आप दिन भर तो उस टाइम पे ना लगाएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि पसीने में और ज़्यादा दिक्कत आएगी फिर। तो फ्रेंड इसको रात में ज़्यादा अच्छे से यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड ये तो इसके डोसेज फॉर्म थे, अप्लाई करने का तरीका था। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट में जैसे कि लगाने के बाद एकदम रेडनेस हो जाना इस एरिया का, फिर बहुत ज़्यादा ईचिंग पड़ना, दाने पड़ना और स्किन का लाल हो जाना बहुत ज़्यादा, तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट अगर ऐसी कोई समस्या लगे तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, बिना डॉक्टर कंसल्टेशन कोई मेडिसिन ना ले फ्रेंड्स, हाँ ये मल रिक्वेस्ट हो रही है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, प्राइस के बारे में लास्ट। तो इसका जो फ्रेंड्स प्राइस है लगभग 142 रुपये, आप इसमें एम आर भी दे रहे हैं लेकिन आपको ये सस्ता मिल जाएगा, लगभग 60-70 रुपये में आप किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाए, बहुत अच्छे से मिल जाए, ये बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला है, कोई समस्या नहीं आती है फ्रेंड्स, क्योंकि बिकने में काफ़ी हर मेडिकल स्टोर मिल जाएगा। और इसको फ्रेंड्स जो मैन्युफैक्चर किया गया है वो किया इन्वेंटिव फार्मा, इन्वेंटिव फार्मा एक जेनरिक कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे बनाती है, अच्छे काम करती है, काम भी करते हैं इसके प्रोडक्ट, रिजल्ट भी मिलता है, तो इसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे से मिलता है। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा रिव्यू था डर्मिकिंग केटी क्रीम के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी वीडियो आप मुझे देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए आप किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्या चाहिए वीडियो, तो मैं उसी टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।